देहरादून में सहसपुर ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि स्कूलों की दीवारें मानो अपनी किस्मत पर ही आंसू बहा रही हों। जिन स्कूलों का निर्माण नौनिहालों के भविष्य को सुधारने के लिए किया गया था, वह कैसे महज राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार होकर रह गया है, इसकी वानगी यहाँ की जर्जर हो चुकी दीवारें बता रही हैं। सहसपुर ब्लॉक में स्थित कांसावाली गांव का स्कूल, जिसकी हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि क्लासरूम में फर्श की जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। छत के टूट रहे प्लास्टर किसी के ऊपर भी कभी भी गिर सकते हैं। आधुनिक तकनीक की शिक्षा देने वाले कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। पूरे स्कूल का जायजा लेने पर पता चला कि ना तो स्कूल में एक बूंद पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है। बच्चे पानी के लिए अपने घर से बोतल में भरकर पानी लाते हैं। उस स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि जर्जर हो चुके स्कूल के खतरे को देखते हुए बच्चों को पंचायत घर में शिफ्ट करके क्लासेस चलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब ये नेता, ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर खस्ता हाल हो चुके स्कूल की हालत को ठीक करवाते हैं। टूटी फूटी है, नीचे से फर्श वगैरह सब टूट रखा है, तो ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही है। बच्चे कहीं और शिफ्ट कर रखे हैं हमने। यहीं पे पंचायत ये है, यहाँ पे भवन, यहाँ पे शिफ्ट कर रखे हैं। टीचर को भी दिक्कतें हो रही है पढ़ाने में बच्चों को, तो ये बहुत छोटा है, उसमें एक कमरे में पूरे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये पांचवी कक्षा तक स्कूल है, यहाँ पे 20-25 बच्चे हैं। सर यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है, यहाँ पे पानी घर से लाना पड़ता है हमें। यहाँ पे भोजन माता है जो यहाँ की, वो अपने घर से लाती है यहाँ पे पानी, और बच्चों को हम बोतल में पानी भर के देते हैं। इन्हें जैसे बाथरूम वगैरह जाने की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, ये बाथरूम वगैरह भी बहुत बेकार हो चुके। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।